बीते लगभग डेढ़ महीने से बंद पड़ी पोस्ता मंडी आखिरकार शुरू होने जा रही है। ऐसे में उन किसानों को बड़ा फायदा होगा जिनके पास अब भी पोस्ता जैसी महंगी फसल रखी है। दरअसल रविवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें सांसद, विधायक और जिला कलेक्टर सहित मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष और पोस्ता व्यापारी मौजूद थे। आयोजित बैठक में जहाँ व्यापारियों ने अपने मुद्दे रखे, वहीं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कही और आखिरकार सर्वसम्मति से पोस्ता मंडी फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि पिछले लगभग डेढ़ माह से अधिक दिनों से पोस्ता मंडी बंद पड़ी हुई थी जिससे किसान परेशान थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सांसद सुधीर गुप्ता रविवार को नीमच पहुंचे और इस मामले में एक अहम बैठक ले ली। आपको बता दें कि लंबे समय से पोस्ता दाना छनाई के लाइसेंस बंद है। ऐसे में पोस्ता व्यापारियों को ग्रेडिंग करने में समस्या आ रही थी। दरअसल पोस्ता दाना छनाई के बाद निकलने वाला धुलापाली एक बड़ी समस्या व्यापारी के लिए बनी हुई थी, क्योंकि धुलापाली का व्यापार अवैध और NDPS एक्ट के अंतर्गत आता है। वहीं बीते दिनों मंडी व्यापारी का चोला पहने एक तस्कर बाबू सिंधी को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। ऐसे में गाइडलाइंस जारी करने की मांग को लेकर व्यापारी एकमत थे और पोस्ता मंडी बंद कर रखी थी, लेकिन रविवार को आयोजित बैठक में एक नए नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार अब किसान साफ करा हुआ पोस्ता दाना मंडी में लेकर आएंगे। आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि सही व्यापार करने वालों को कोई अधिकारी बेवजह परेशान नहीं करेंगे। वहीं व्यापारी को भी पोस्ता दाना में से निकलने वाला धुला पाली को समय पर नष्ट करना होगा। ऐसे में इस निर्णय पर पोस्ता कारोबारी एकमत नजर आए और पोस्ता मंडी चालू करने पर सहमति बनी। इधर इस पूरी बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता ने व्यापारियों की मांग पर नाराजगी भी जाहिर करते हुए कहा कि आपको अगर नीतिगत कारोबार करना है तो एक नंबर में व्यापार करना ही होगा। किसान पोस्ता दाना को छनाई करके मंडी में लाएंगे, वहीं अगर आप इसकी छनाई करते हैं तो धुलापाली को समय पर नष्ट करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बहरहाल रविवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित विशेष बैठक किसानों के लिए वरदान साबित हुई। व्यापारियों के साथ बैठे थे तो उन्होंने अपनी कुछ जेन्युइन जो दिक्कतें आ रही थी अपना पोस्ता व्यापारियों से, उन्होंने हम लोगों के साथ साझा करा और हम लोगों ने भी यही सख्त निर्देश दिए हैं कि पोस्ता व्यापार अच्छे से चले, साफ सुथरे तरीके से चले, तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी जेन्युइन आदमी उसको तंग नहीं किया जाए, ऐसा जो एजेंसीज रहती हैं वो नहीं तंग करेंगी। और जो किसान भी अपना माल लेकर आता है वो भी छान कर लेकर आए जिससे उनके पास भी वो धुला पाली निकलने की कोई दिक्कत ना हो। इसके अंदर ऐसा था कि जो अभी प्रक्रिया के अंदर चल रहा है कि जो छानने के बाद, पोस्ते को छानने के बाद जो भी धुला पाली निकलता है उसको किस मेथड से डिस्ट्रॉय करना है, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश आएंगे, उसकी उसका पालन किया जाएगा और तब तक किसान परेशान ना हो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप जो है उसको चलाओ। और किसानों से आग्रह करेंगे कि किसान साफ पोस्ता मंडी में लेकर के आए, तो साफ पोस्ता होगा तो उसमें से कोई धुला पाली बहुत नॉमिनल मात्रा में निकलेगा और उसको तुरंत जो है ये लोग अपने स्तर पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रारंभिक चर्चाएं, इनकी दिक्कतें, वो सबको सुनने के बाद निर्णय लिया कि किसान भाई अपना एक क्लीन माल को मंडी में लेकर आए और व्यापारी अपने पोस्ते दाने को उस तरीके से मंडी में ऑक्शन के उस मोड में खरीदे ताकि प्रतिस्पर्धी बाजार में पूर्ण पैसा किसान भाइयों को मिल सके। प्रक्रिया रहती, देखिए वो छान कर लाएगा तो उसका थोड़ा बहुत अंश रहता है, वो किसान अपना वहाँ से डिस्ट्रॉय करके लाता है और अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर उसमें रहता है तो छलनी के दौरान में उसे डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए। वो कोई ऐसा जिसके मन में ही अगर इलीगल कोई लाइन करने की, तो ना तो प्रशासन सहयोगी बनेगा, ना हम सहयोगी बनेंगे, ना कोई सहयोगी बनेगा। मगर इस प्रक्रिया को उलझा कर किसान भाइयों से पोस्ता दाना ही ना खरीदो, ये तो बिल्कुल गलत है और इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं है। लाइसेंस की प्रक्रिया को इस तरीके से क्यों लाते हो, जिसको ट्रेड करना है वो प्रतिबंधित है धुला पाली का ट्रेड, और इसलिए उस ट्रेड लाइनों पर कोई लाइनें ना बनाई जाए। नहीं 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 खरीदते हैं और ये तो सबने मन बना कर कहा है और व्यापारी है, किसान है, वो नहीं ऐसा नहीं है, उनकी अपनी दिक्कत थी लेकिन उन्होंने मन बना कर कहा एक दो दिन में वो चलाएंगे। करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, पहली बात लाएगा ही नहीं कोई, यानी 99.9% वो वहीं है उसको सफाई करके लाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नीमच से मनोज मीणा की रिपोर्ट।